लाख बुरे हैं हम, पर तुम तो अपनी अच्छाई दिखाओ। हम बुरे नहीं थे, अब तुम याद करो, तुमने हर बार हमें बुरे वक्त में ही याद किया है। आज तो इसलिए बुरा बन गया हूँ क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आ गया है। चांद उगता गया और सूरज ढलता गया, मैं ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश में सबकी नजर में बुरा बनता गया। वक्त बुरा है साहब, मैं बुरा नहीं, और अगर मैं बुरा हूँ तो फिर कोई भी अच्छा नहीं। जब जब अच्छाई की खोज में निकला, दुनिया ने मुझे बुरा कह के पुकारा, और जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ दिया, लोगों ने मुझे अच्छा कह के पुकारा। आज का यह स्पीच बहुत ही जरूरी टॉपिक है, अगर आपने इसे पूरी अच्छी तरह से समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी और जिंदगी पटरी पे दौड़ने लगेगी और जिंदगी में फैसला अच्छा लेने लगोगे। बचपन में एक बार मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जा बकरी चराने के लिए, एक लकड़ी खेत से ले आ। मैं एक कुल्हाड़ी लेकर खेत में गया और पहला कुल्हाड़ी एक बहुत ही सीधे सादे पेड़ पर चढ़ा और उस डाली पर कोई कांटे नहीं थे और उसको काटना बहुत आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बबूल का पेड़ था जो पूरा कांटों से भरा था। मैंने उस पेड़ में तो पास में भी जाने नहीं सोची, आखिर मैं अपने हाथों में कांटे क्यों चुभाऊं। अब इंसानों के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जो इंसान टेढ़ा होता है ना, थोड़ा काम अच्छा होता है ना उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, उसको ज्यादा तंग नहीं किया जाता है, आमतौर पर उसकी बातें मान ली जाती है। वही अगर कोई सीधा साधा इंसान होता है तो उसकी अपनी बात मनवाने के लिए पापड़ मिलने पड़ते हैं और लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जैसा लोग उसको मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों जरूरी है, टेढ़ा बनना क्यों जरूरी है और कैसे बने। जिंदगी में अगर आपने दो चीजों को सही समय पर सही ढंग से यूज करना सीख लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा, फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोले या बुरा बोले। पहला चीज है हाँ और दूसरी चीज है ना। अगर आपने जिंदगी में सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब ना कहना है, तो भले ही आपके लोग कुछ भी बोले, आपको कितना भी बुरा बोले, कितना ही जिद्दी बोले, कितना ही बुद्धू माने, लेकिन आप अगर देखोगे ना अपने लाइफ में पलट कर, तो कम से कम आपको किसी की बात का पछतावा नहीं रहेगा। आप मुझे ये बताओ कि ये जो जिंदगी जी रहे हो वो ना आपको बबुल के नाम पर मिली है, पोनी के नाम पर मिली है, ना रानी के नाम पर मिली है। ये जो जिंदगी है आपकी, वो आपके अपने खुद के नाम की मिली है। ये हमारे बाप के नाम की भी नहीं है, उनको अलग जिंदगी मिली है और हमें अलग जिंदगी मिली है। जो तुम्हारा नाम है ना, उस नाम के हजारों इंसान है उस दुनिया में। आप लोग तो रोज फेसबुक इंस्टाग्राम पे सर्च मार कर देखते होंगे, फिर कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हारे उन नामों से अलग बनती है। योर यूनिक पर्सनैलिटी और उसकी यूनिक क्वेंसेस तब तक ही रहती है जब तक आप किसी और से अफेक्टेड होकर किसी और के बातों में आकर उनके जैसा ना करने लग जाओ। जिस टाइम पर आपने अपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया ना, उसी टाइम आपकी ये जो यूनिक्वेंसी है खत्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे जबरदस्ती करवाई जा रही है और उसमें आपकी खुशी नहीं है, वो आपके नजरों में गलत है, तो उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फायदा है, किसी मासूम का नुकसान नहीं है, आपको खुशी मिल रही है, आपको ग्रो करने वाले हैं, आपको लगता है कि उससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो हाँ बोल सकते हैं। आपका जो डिसीजन है ना, हाँ बोलने का और ना बोलने का, वो टोटली आपकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करना चाहिए। अगर आपको कोई आग में कूदने को बोलेगा तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो उसको अलाउ करते रहोगे, क्योंकि उसमें आपको तुरंत नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात निकल कर आई कि आप ज्यादा दूर की नहीं सोचते, आप सोचते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वही अगर आप ये सोचोगे कि यही टाइम की बर्बादी लॉन्ग टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकती है, तो आप आज से ही गप्पे लगाना बंद कर दोगे, दूसरों के फालतू के कामों के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। आपको ये लगेगा कि अगर मैं मना कर दिया तो अगला इंसान को मुझे गलत सोचेगा, या फिर कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो साथ नहीं देगा। ये जो अकेले होने का फियर है ना, वही लोगों के हाँ को ना में और ना को हाँ में बदल देता है, और बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी और सामने वाला का काम निकल जाता है। वो अपना फायदा लेकर निकल लेता है और तुम्हें पछतावे को लेकर बैठे रहते हो कि काश उस दिन मैं ऐसा नहीं किया होता। टेढ़ा बनना बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो खड़े खड़े बिक जाओगे। अगर आप सॉफ्ट टारगेट रखोगे ना,
किसी के लिए तो वो आपको पहले ही निशाना बना लेगा। हाँ मैं मानता हूँ सॉफ्टनेस जरूरी है दिल में, पर इतना बेवकूफ बनना जरूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोल जाए और आप आंख बंद करके उस पर भरोसा करते जाओ। आप ये देखो कि अगर अगले व्यक्ति का नुकसान होता आपके साथ तो क्या वो रुकता तुम्हारे साथ? अगर मैं ठीक उसको वैसा ही करने को बोलता जैसे वो मुझे करने को बोल रहा है तो क्या वो भी मानता मेरी बात? क्या सामने वाला भी हमारे टाइम की इज्जत करता है या केवल मैं ही उसके लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ? जैसा वो बोल रहा है वैसा करने से मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा या मेरी इज्जत की तो बात नहीं लग रही? जब भी हाँ और ना बोलने का समय होना तो हर पहलू को ठीक से चेक कर लो। कई बार हम थोड़े से फायदे के चक्कर में सीधा बनकर अगले बंदे की बात मान लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि इस थोड़े से फायदे के चक्कर में बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में या अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत को भी सही बताने लगते हो और अच्छा बन जाते हो, पर ये नहीं देखते कि जो इंसान हमारे साथ बन जाते हैं गलत, ये नहीं देखते कि जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है ना, ये ऐसा बोल रहा है ना, वो किसी और को भी जाकर बोलता होगा हमारे बारे में, ये नहीं सोचेंगे। इसलिए कहता हूँ कि सही है तो उसको सही बोलो और अगर कोई चीज गलत है तो उसको गलत बोलो। फिर चाहे आपको लोग बुरा बोले, टेढ़ा बोले या कुछ भी बोले, लास्ट में एक ही बात बोलना चाहता हूँ। कहते हैं कि अच्छे को दूसरों में अच्छाइयाँ और बुरे को दूसरे में बुराइयाँ ही नजर आती है। इसलिए अगर तुमको कोई बुरा बोले, टेढ़ा बोले तो उसके बातों का नहीं बल्कि खुद के ऊपर ध्यान देना कि क्या तुम सच में बुरे हो। किसी को माफ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ मत बन जाओ। चाहे दूसरों के नजर में अच्छे बनो या बुरे, बस ऐसा बनो कि कोई तुम्हारा जैसा ना बन पाए। और अगर अच्छा बने तो बेवजह बनना, कोई वजह से तो हर कोई अच्छा बन जाता है। और एक चीज को दिमाग में हमेशा रखना, कुछ ऐसा जरूर करना कि जिससे दुनिया में देश का नाम हो जाए और देश में आपका नाम हो जाए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।